आज हम एक ऐसे फ्री समर कैंप के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको ना ट्रायल लेना है, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के इसमें 15 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेनिंग ले सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में। तो ये कहाँ होंगे, कैसे होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा और कहाँ जाके आपको रजिस्टर करना होगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कोल्विन शील्ड कराने जा रहा था, तो कोल्विन शील्ड पहले 20 मई से होने वाली थी, उसको पोस्टपोन करके 1 जून, या अभी डेट नहीं आई है, एक तरीके से आप कह सकते हैं 1 जून से है। तो उससे पहले आरसीए का जो था, सभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को गाइडलाइंस भेजी गई थी कि आप 15 दिन का सभी डिस्ट्रिक्ट, एक नहीं जितने भी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है सभी, 1 मई से 15 मई तक आप समर कैंप कराइए। लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ गई, इस वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। तो अब जो समर कैंप स्टार्ट हो रहे हैं वो 15 मई से 30 मई तक सभी डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान दीजिएगा एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सभी डिस्ट्रिक्ट में 15 मई से 30 मई तक हो गया। एज ग्रुप के जितने भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, चाहे अंडर 14 के हों, चाहे 16 के हों, चाहे 19 के हों, चाहे 23 के हों, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जाना है, फॉर्म लेकर फिल करके सबमिट कर देना है। 15 मई से चलेंगे, अधिकतर जो समर कैंप चलेंगे वो 4 बजे से 7, शाम के 7 बजे तक आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अप्रूव्ड एक ग्राउंड पे होगा। इसमें अच्छा खासा फंड भी दिया गया है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सभी डिस्ट्रिक्ट को 40,000 रुपए प्लस नेट और बॉल्स दी गई हैं इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, ये मेंस ही नहीं, वुमेन्स, अगर आप कोई लड़की देख रही है या किसी लड़की का गार्जियन देख रहा है, उसके लिए भी ये समर कैंप है। इस समर कैंप के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला बेनिफिट्स ये होगा कि अगर आप इस समर कैंप में अच्छा परफॉर्म करोगे तो वही कोचेज आपको डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स में देखेंगे, तो पहले ही वो जान जाएगा। और दूसरी चीज, पहले ही उनको आपका स्किल पता रहेगा, हो सकता है आपको ट्रायल्स के बाद मैचेस मिले तो उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस सही हो, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जब 1-2 मैचेस उनको मिलता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा अगर इस कैंप में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। प्लस एक अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ आपको ऐसे अच्छी फैसिलिटीज दी जाएगी क्योंकि ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराया जा रहा है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में गया। हाँ, एक इशू आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ है ये अधिकतर प्लेयर्स को पता नहीं है। जैसे कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का पोस्ट आप देख सकते हैं, उन्होंने इंस्टा पे किया है, वो हम दे दे रहे हैं, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का और भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा हमें आपने ही हमारी हेल्प की थी, किसी हमारी यूजर ने कमेंट करके, ये आप उनका कमेंट देख सकते हैं, इसी लोकेशन पे जाकर आपको फॉर्म भरना है। आज 14 तारीख है, आज तक आपको फॉर्म मिलेंगे, तो आज आप फॉर्म ले जाकर भर देंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल्स में लगते हैं? डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मूल निवास, आपके गार्जियन की भी वोटर आईडी लग सकती है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? मूल निवास लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र। और ये सिर्फ राजस्थान के क्रिकेटर्स के लिए है, और आपका डिस्ट्रिक्ट जो हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के हो आप, निवास भी चाहिए आपको, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रशिक्षण ले सकते हैं, 15 मई से 30 मई तक चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मेरा मानना है कि सभी स्टेट्स को ऐसी एक कैंप का, ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बहुत अच्छी पहल है। उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे तरीके से करेगी। बहुत बार ये होता है कि स्टेट एसोसिएशन अच्छी, ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बहुत अच्छी पहल है। उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे तरीके से करेगी। बहुत बार ये होता है कि स्टेट एसोसिएशन अच्छी पहल करती है लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन उस तरीके से पहल नहीं करती। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसका प्रचार प्रसार कीजिए। आपका जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, FB अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट है, उस पर भी
इंफॉर्मेशन डालिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन डालिए। मैं अपनी बात बता दूं, मैंने खुद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उनपे उस पर मैसेज किया था सभी डिटेल्स के लिए। अगर आपके पास कोई ट्रायल से रिलेटेड डिटेल्स है वो हमको शेयर कीजिए। उन्होंने कहा था ठीक है हम शेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका रिप्लाई आना बंद हो गया। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी क्योंकि प्लेयर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है और सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू इस समय प्लेयर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से ऑन बिहाफ ऑफ देयर प्लेयर्स रिक्वेस्ट यही है कि इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कराइए जिससे सभी प्लेयर्स इसका लाभ उठा सके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में खेलने वाले बहुत से क्रिकेटर्स रहते हैं लेकिन उनके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती कि किस जगह फॉर्म भरना है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन क्या है। और दुर्भाग्य की एक बात मैं बताऊं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कोई हेल्पलाइन नंबर ही नहीं भी नहीं है। और बिलीव करेंगे कि भीलवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन का मुझे दो तीन दिन पहले ही किसी लड़के ने बताया ना, किसी हमारे सब्सक्राइबर ने ही बताया था, तो मैंने सर्च कर दिया और मैंने कोशिश भी की कि भीलवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन का एड्रेस या कुछ निकल जाए, लेकिन कोई एड्रेस भीलवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नहीं मिल पाया मेरे पास। तो ऐसा सभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, 2-4 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आपको राजस्थान में ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। तो ये गलत चीजें हैं जिससे ये अगर क्रिकेटर्स को पता चल पाए तो इस जो है एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 300, 400, 500 बच्चे आएंगे, 600 बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन क्योंकि इसका प्रचार प्रसार सही नहीं होता इससे प्लेयर को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और एक चीज और हम बता दें, इसका कोई ट्रायल नहीं होगा। जो भी ये फॉर्म भरेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, अगर आपकी उम्र 14 साल की एज ग्रुप में आती है, 16 में आती है, 19 में आती है, 23 में आती है, सिर्फ फॉर्म भरना है और सर्वर कैंप अटेंड करना है 15 से 30 मई के बीच में। तो सारी फैसिलिटी आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की होगी और सारी इंफॉर्मेशन वो देंगे। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी मेरा आपके साथ, क्योंकि आप भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। अगर आप राजस्थान में ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख है आज, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की या फॉर्म लेने की, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ हो रहे हैं ट्रायल्स। किसी न किसी भाई की आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन पास करने से होता है। कुछ इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं, कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मिलता है जो हम शेयर करते हैं। तो इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए। और हाँ, कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ जरूर कमेंट करें, अपना प्यार दें। इंस्टा पे भी हमारे साथ जुड़े, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में।